नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एप्सन के पिक्चर मेट पीएम 520 प्रिंटर का करेंगे अनबॉक्सिंग और दिखाएंगे कि इससे कैसे प्रिंटिंग होती है और यह मॉडल कैसा होता है, तो इसका सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस प्रिंटर से पहले एक और प्रिंटर आता था जिसका मॉडल नंबर एप्सन का ही पिक्चर मेट पीएम 210, 250, 270 करके आता था, जिसको हम पोर्टेबल कहीं पर भी ले जाकर प्रिंट कर सकते थे। वो भी प्रिंटर बहुत ही अच्छा था। जब वो प्रिंटर बंद हुआ तो उसके बाद ये प्रिंटर कंपनी ने एक नया प्रिंटर लॉन्च किया और यह प्रिंटर भी उससे भी बहुत ही बेहतर प्रिंटर आ गया है। उस प्रिंटर में ये था कि उसमें 4x6 और 3x6 का पेपर लगता था, लेकिन इसमें क्या है कि 5x7 का भी और 4x6, 3x6 तीनों पेपर इसमें डालकर आप प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंटर को जनरली जो बिजनेस पर्पस के लिए जो मैक्सिमम फोटोज बनाते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट प्रिंटर रहेगा। जहाँ पे पासपोर्ट साइज के फोटो बनाना हो वहाँ पे भी बहुत बेहतर काम करता है और 4x6 और 5x7 में भी पेपर बहुत ही क्लियर प्रिंट करता है। दोस्तों, इस प्रिंटर को केबल के द्वारा प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद वाईफाई डायरेक्ट की भी सुविधा दी गई है, जिससे कि आप किसी भी मोबाइल से आप एप्सन का ऐप इंस्टॉल करके उससे इसे प्रिंट दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके पास DSLR कैमरा है या फिर कोई और कैमरा है जिसमें वाईफाई अवेलेबल है, तो उस कैमरे से डायरेक्ट वाईफाई के जरिए इस प्रिंटर को प्रिंट दे सकते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिला है। पहले दोस्तों, इस प्रिंटर को हम साइड में रख लेते हैं। पहले देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिला हुआ है। एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाली USB केबल मिलेगी और इसका सॉफ्टवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर वाली CD मिलेगी। एक एडाप्टर मिलेगा 24 वाट का और ये एडाप्टर का पावर केबल है और इसका ये हेड है और इसका ये मेंटेनेंस बॉक्स है। दोस्तों, ये मेंटेनेंस बॉक्स एक एक्स्ट्रा मिलता है और इसके साथ एक मेंटेनेंस बॉक्स अंदर लगा हुआ है और इसका अगर मेंटेनेंस बॉक्स फुल हो जाता है तब इसके लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इसकी जल्दी ज़रूरत आती नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग हो जाने के बाद ही लगभग 30,000 या 40,000 पेज प्रिंट हो जाता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसे साइड में रखते हैं और प्रिंटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ रबड़ का दिया हुआ है और ये जितने भी ब्लू टेप लगे हुए हैं इन सभी ब्लू टेप को हम हटा लेते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे भी हेड को टेप किया गया है तो इसको ऊपर उठा देंगे। यहाँ पे हेड है तो यहाँ से भी इस ये ब्लू टेप हटा लेंगे। दोस्तों, ये आगे का ट्रे है जहाँ पे एप्सन का वेजिंग लगा हुआ है और ये ट्रे पे ही आकर अब जो प्रिंट होता है वो पेपर आके रुकता है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि SD कार्ड लगाकर डायरेक्ट इसे प्रिंट दे सकते हैं और यहाँ पे इसे ऑपरेट करने के लिए एक स्क्रीन मिलेगा, कुछ यहाँ पे बटन्स मिलेंगे। अब पीछे के साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे पीछे के साइड में आते हैं, हम इसको ढक देते हैं और इसे कहीं पर भी ले जाने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है इसको उठाने में। उसके बाद यहाँ पे पीछे का जो साइड है यहाँ पे एडाप्टर लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि USB केबल यहाँ से कनेक्ट करने के लिए। ये जो पीछे का साइड है यहाँ पे एक मेंटेनेंस बॉक्स लगा हुआ है पहले से ही और एक मेंटेनेंस बॉक्स एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसे लगाया जाता है वो भी हम बता दे रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए एक इस साइड से पुश करेंगे और एक ऊपर से पुश करेंगे, इस तरह से ये आराम से ये निकल जाएगा। यहाँ पे जो ये मेंटेनेंस बॉक्स है इसको निकालने और लगाने का तरीका ये है कि ये जो हिस्सा है यहाँ से पकड़ के हल्का सा इधर खींचेंगे तो ये निकल जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पे दोबारा यहाँ पे लगाकर और हल्का सा यहाँ पे पुश कर देंगे, ये बैठ जाएगा और दोबारा इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इस प्रिंटर को खरीदेंगे इसके साथ तो बैटरी नहीं मिलती है, लेकिन इसमें एक ऑप्शनल है कि आप बैटरी लगाकर इस प्रिंटर को चला सकते हैं। तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ से इधर करेंगे तो ये बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा, एक लंबी सी इसमें बैटरी मिलेगी इसी प्रिंटर का। तो ये ऑप्शनल है, ये प्रिंटर के साथ नहीं आता है, आप एक्स्ट्रा एक्सटर्नल खरीद सकते हैं। और यहाँ पे दो लाइट दिया हुआ है,
पहला, जब पावर अडाप्टर लगाएंगे उसका जलेगा, और दूसरा यदि इसमें बैटरी लगी रहेगी तो उसका चार्जिंग पॉइंट दिखाएगा, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले इसे ऑन करते हैं और इसमें कार्टेज लगाते हैं। तो हमने पावर में इसे प्लग कर दिया है, इसे अब पावर बटन से ऑन करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टेज को इंस्टॉल करने के लिए, तो पहले हम कार्टेज को इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्टेज को इंस्टॉल करने के लिए आ गया है। तो इस कार्टेज को हम निकाल लेते हैं इस पॉलीथीन से, और यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है, इस टेप को पहले हम हटा देंगे यहाँ से इस तरह से, और ये नीचे से इस कार्टेज को यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से ऐसे निकल गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चार कलर दिया हुआ है, और इसको इस तरह से यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे चिप लगी हुई है, वही चिप यहाँ पे जाके सेट होगी। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ से हल्का सा पुश कर देंगे, ये पुश हो चुका है, ये बैठ गया है। उसके बाद ये ट्रे को हम डाउन कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, ये स्टार्ट बटन है। कार्टेज इंस्टॉल होना चालू हो गया है। अब यहाँ पे कुछ देर तक वेट करना होगा, लगभग 4 मिनट तक वेट करना होगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे कुछ सेटअप्स हैं, आप अपने अनुसार जो भी सेटअप करना होगा आप कर सकते हैं, जैसे सेटअप करना है। सारा सेटअप यहाँ पे मैन्युअली दिया हुआ है, आपको कैसा चाहिए यहाँ पे, जिसे देखिए प्रिंट सेटअप में इंक लेवल चेक कर सकते हैं, बैटरी मेंटेनेंस बॉक्स, मेंटेनेंस, प्रिंट सेटअप, सारा कुछ यहाँ पे जितने भी सेटिंग्स है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अपने अनुसार जो भी सेट करना होगा आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अपने मोबाइल से प्रिंट करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसे प्रिंट होता है। दोस्तों पहले तो समझ लेते हैं कि पेपर कैसे इसमें फीड करना होता है। पीछे के साइड में आएंगे, यहां पे इस तरह से आप खिसका के कौन सा पेपर यहाँ पे डालना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक स्केल बना है, यहाँ से पेपर पड़ेगा, एक हिस्सा इधर यहाँ पे रहेगा और दूसरा हिस्सा 3.5x5 का एक पेपर आता है वो लगा सकते हैं। उसके बाद 4x6 का पेपर लगा सकते हैं और तीसरा 5x7 का पेपर लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास से ये पेपर है, ये प्रिज्मा जेट का 5x7 पेपर है और हम इसी पे प्रिंट करेंगे। ये 270 GSM का है, तो इसमें हम यहाँ पे सेट करेंगे, इसमें से निकाल कर हम इस पेपर को यहाँ पे फीड करेंगे। इसे थोड़ा सा अपने पेपर के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद अब स्क्रीन पे आएंगे, तो जैसे ही इसमें पेपर डालेंगे तो ऑटोमेटिक बताने लगेगा कि ये पेपर पड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, जैसे हमने 5x7 डाला है, यदि आपने इसमें जो पेपर डाला है वो साइज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज पे आके ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी पेपर आप डाले रहेंगे उस पेपर को आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमने 5x7 वाला डाला है तो ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। तो ये तो रहा पेपर फीडिंग का। अब आते हैं मोबाइल पे, मोबाइल से प्रिंट करके इसको दिखाते हैं कि किस तरह से मोबाइल से प्रिंट किया जाता है। तो पहले यहाँ पे एप्सन आई प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर इज नॉट सेलेक्टेड है तो यहाँ पे पहले प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट नहीं है तो वाईफाई डायरेक्ट सेटअप पे जाएंगे। यहाँ पे दो सेटअप दिया हुआ है या दो ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंटर विथ LCD स्क्रीन और प्रिंटर विदाउट LCD स्क्रीन। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, ओपन वाईफाई सेटिंग। यदि यहाँ पे वाईफाई प्रिंटर का नहीं दिखा रहा है तो पहले हम अपने प्रिंटर पे जाएंगे, वाईफाई सेटअप पे जाएंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, यदि आपके पास वाईफाई राउटर है तो राउटर से अगर यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि यदि आप उस राउटर से मोबाइल, कई मोबाइल कनेक्ट हैं तो मोबाइल से प्रिंट कर सकते हैं, और यदि आपके पास सारे बहुत सारे सिस्टम हैं उससे भी कनेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट उससे प्रिंट दे सकते हैं। तो हमें मोबाइल से कनेक्ट करना है तो ये मोबाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे, यानी कि नीचे डाउन करके आएंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट वाईफाई डायरेक्ट
व्हेन डू नॉट हैव ए वाईफाई नेटवर्क पे, ये तो ओके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे वाईफाई पासवर्ड दिया हुआ है तो अपने मोबाइल में जाएंगे हम, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो वाईफाई इसका शो हो रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पासवर्ड मांग रहा है तो यही जो सेम यहाँ पे पासवर्ड दे रहा है वही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, तो 6650 करके उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये प्रिंटर हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो गया, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। ठीक है, ये मेन मेन्यू पे आ गया, मोबाइल से भी बैक आ जाएंगे। एक बार और बैक आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने कनेक्ट कराया है तो यहाँ पे PM520 सीरीज़ का प्रिंटर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें इसे फ़ोटो प्रिंट करना है तो यहाँ पे फ़ोटो प्रिंट पे क्लिक करेंगे और जो हमें प्रिंट करना है वो उस फोटो को हम पहले हम फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो ये पेपर पड़ा हुआ है प्रिंटर में वो 5x7 साइज़ पड़ा है और यहाँ पे सेलेक्ट है 4x6, तो हम इसे पेपर चेंज करेंगे और यहाँ पे आएंगे और 5x7 कर देंगे। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर का जो साइज़ है 5x7 इंच यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, ये प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरा प्रिंटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो चुका है, आप दोनों मैच करा सकते हैं। और अब इसकी क्वालिटी देखी जाए तो क्वालिटी बिल्कुल लैब की तरह आ रही है, क्योंकि क्वालिटी इतनी मस्त है कि दिल खुश हो जाएगा इस प्रिंटर से कोई भी पेपर आप प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से प्रिंटिंग दे सकते हैं। यदि पासपोर्ट साइज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से इसके साइज़ देकर आप प्रिंट इस प्रिंटर से दे सकते हैं। ये बिल्कुल दोनों तरीके से आसान होता है, कंप्यूटर से भी देंगे उससे भी आसान होता है और मोबाइल से भी देंगे तो उससे भी बहुत ही आसान होता है, और डायरेक्ट अगर कैमरे से भी प्रिंट देते हैं तो उससे भी बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों यदि आप कोई भी अगर सडनली प्रिंट करना है कोई भी फोटो तो यह प्रिंटर आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, यदि आप एक फ़ोटो स्टूडियो चलाते हैं तो उसके लिए। अब बात करें इसके प्राइस की तो यह लगभग 15,000 से 16,000 के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि इस समय जो प्रिंटर का रेट है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, हमेशा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप कहाँ पे इसका क्या रेट मिल रहा है आप चेक कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रिंटर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।